मैं स्मिता स्मिता ट्रेडिशनल फूड में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने ये हेल्दी और ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई है, गेहूँ के चिक्की पाउडर से उपमा, यानी स्पाइसी तीखा चिक। मीठा चिक बना सकते हैं दूध शक्कर से, लेकिन मैंने आज ये हेल्दी ऐसा व्हीट चिक पाउडर का उपमा यानी स्पाइसी व्हीट चिक बनाया है। चिक्की पाउडर कैसे बनाई जा सकती है इसकी रेसिपी शॉर्ट भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अलग अलग ट्रेडिशनल हेल्दी रेसिपी देखने के लिए विजिट स्मिता ट्रेडिशनल फूड। हेल्थ के लिए व्हीट चिक बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है और टेस्टी भी लगता है, दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। आप इससे प्रतिकार शक्ति इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। चिक पाउडर का बिजनेस भी किया जा सकता है। 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम के आप सैंपल भी पाउडर के रख सकते हैं। आज मैं गेहूं के चिक की कुछ अलग रेसिपी बना रही हूँ। तो ये गेहूं की चिक्की पाउडर है। ये गेहूं की चिक्की पाउडर मैंने कैसे बनाई है इसका रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मेरे कुछ यूट्यूबर भाई बहन मराठी समझ में नहीं आते हैं, तो ये मैंने गेहूं की चिक्की पाउडर बनाई है इसकी रेसिपी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और मेरा रेसिपी कुछ अलग अलग तरह की है। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए अपन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गेहूं की चिक्की पाउडर की कुछ अलग रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार मैंने ये वुडन सेट अमेजॉन से लिया था, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। अपन जब हिलाते हैं उस समय ये रंग छोड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए। तो मैं मेरे पास ये था तो मैं ये यूज करने वाली हूँ। तो ये चिक की अलग रेसिपी, क्या हमने चिक की पाउडर ली है 1/2 कप। आपके पास मेजरमेंट कप नहीं हो तो आप छोटे कटोरी से भी माप ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप हरी मिर्च की टुकड़े लिए है, ग्रीन चिली पीसेस। वन हाफ कप व्हीट चिक्की पाउडर को या पानी लिया है। हाफ कप चिक्की पाउडर ले हो तो 1 कप अपने को वाटर या पानी लेना है। राई, जीरा, नमक, ऑयल बहुत ही कम लेना है। मेरी सभी रेसिपी बहुत ही कम ऑयल में होती है। ये व्हीट की चिक्की पाउडर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। सुबह के ब्रेकफास्ट को तुम बना सकते हो।
इसको लगातार हिलाना है। आप देख सकते हैं ये जो चीक है, ये आप तीखा चीक बना रहे हैं, स्पाइसी व्हीट चीक। दूध और शक्कर से भी ये रेसिपी मैंने बनाई है। इसके शॉर्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा अपलोड है मेरे चैनल पे। आपको अगर पूरी रेसिपी नहीं देखनी है तो शॉर्ट रेसिपी व्हीट चीक की अवेलेबल है। तो देखिए ये ऐसा दिख रहा है। कल मैं शकरकंद की सब्जी बनाने वाली हूँ, ये भी बहुत अलग रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, फास्ट को भी ये खा सकते हैं। तो ये मैं आज स्पाइसी व्हीट चिक बना रही हूँ, वो भी चिक पाउडर से। पैन अच्छी तरह से गर्म हुआ है, अब इसमें डालेंगे हम ऑयल यानी तेल। राई, अब जाएगा इसमें जीरा, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, हल्दी, यहाँ थोड़ा सा मैंने हींग लिया है, हींग की बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है अच्छी। ये जो पानी अपना बचा था वो मैं डाल रही हूँ, पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इसे धीरे धीरे करके डालना, लगातार हिलाते रहना है। एक बात ध्यान में रखनी है कि इसे लगातार हिलाते रहना है। दस मिनट तक इसे लगातार हिलाना है। स्पाइसी व्हीट चिक यानी तीखा व्हीट चिक, गेहूं में 100% प्रोटीन की मात्रा होती है और मेरे हिसाब से शायद चिक की पाउडर का वीडियो यूट्यूब पे बहुत ही कम होगा।
बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी, खाने में ये बहुत अलग और स्वादिष्ट लगती है। छोटे बच्चे भी इसे खा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं इसे इतना लगातार हिला रही हूँ। चीक की पाउडर की प्रोसीजर थोड़ी हार्ड है, लेकिन एक बार चीक की पाउडर कर ली तो उससे बहुत सारी अलग अलग रेसिपी हेल्दी भी टेस्टी भी बना सकते हैं। टोटली ट्रेडिशनल। आप देख सकते हैं जैसे उपमा होता है वैसे ये दिख रहा है।